हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त तलहा और आज हम बनाने वाले हैं वायरस इन विजुअल स्टूडियो 2010 इन प्रोग्रामिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो 2010 खोल लेते हैं। तो इसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन। हमने विजुअल बेसिक पे जाना है, इस पर बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन में हम इसका नेम देंगे नाइन वायरस प्रैंक, हम इसको ओके कर देंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होएगा। फिर उसके बाद हम अपने फॉर्म को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फॉर्म का हम नाम दे देते हैं अनॉइंग वायरस प्रैंक, कंट्रोल एस दबाएंगे, ये ऊपर हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी बैकग्राउंड इमेज डालेंगे। सबसे पहले मेरे पास अभी कोई बैकग्राउंड इमेज डालेंगे, इसको मिनिमाइज कर दें। एक इमेज ले लें आप नेट से, या आपने रखी हुई है पहले वो डाल दें, आप जो भी डाल सकते हैं आप। कोई भी आप ले लें वायरस के लिए, कोई भी आप लगा लें तो ठीक है। जब तक ये लोड हो जाए यहाँ पे सिग्नल थोड़े आ रहे हैं, मैं साथ वाले कपड़े में हूँ इसलिए। कोई भी आप पिक्चर ले लें इसमें से, आप इसको सेव कर लें। बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करें, लोकल रिसोर्स इंपोर्ट कर लें पिक्चर जो आपने भी डाउनलोड की है। ओके कर दें, फिर इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर लें। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे शो इन का ऑप्शन होगा यहाँ पे, उसको हमने फॉल्स कर देना है। इशू इन टास्क बार है, इसको हम फॉल्स कर देंगे।
फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, हम एक टाइमर ले लेंगे, फिर हम डबल क्लिक करेंगे टाइमिंग पे, टाइमर पर, फिर इसकी हम कोडिंग करेंगे। पहले यहाँ पे हम दे देते हैं इन रैंडम शिफ्ट एज न्यू रैंडम। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, इफ डेस्कटॉप लोकेशन इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, और हम उसके अंदर हम देखेंगे रैंडम शेड डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट्स 1/1000 फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोमा डालेंगे, फिर उसके बाद रैंडम शीट डॉट टेक्स्ट दोबारा लिखेंगे, रैंडम शीट डॉट टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट नहीं डालना था, नेक्स्ट डालना था, फिर कॉलम डालेंगे, फिर इसके अंदर 1/500 और इसको लोड डाल देंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे दोबारा, हम इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। दोबारा वही पेस्ट कर देंगे, डॉट एस सेव, फिर हम दोबारा फॉर्म के ऊपर जाएंगे, हम फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर हम इसके अंदर टाइमर डॉट स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो। फिर हम फॉर्म की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इमेंट्स में जाएंगे, इधर ऑप्शन होएगा क्लोजिंग डबल, सॉरी फॉर्म क्लोजिंग, फॉर्म क्लोजिंग, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर हमने कोड लेना ई डॉट कैंसिल, ई डॉट कैंसिल्स इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज बॉक्स में हम शो कर देंगे के प्रॉब्लम है इसमें, क्या आप इसको बंद नहीं कर सकते, ये वायरस है इसके अंदर हम प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग डालेंगे फिर उसके अंदर हम ले देंगे प्रॉब्लम, आगे क्वेश्चन कंट्रोल एस करें, इसके बाद इसको अप रन करके चेक करते हैं, तो ये हमारा वायरस तैयार हो गया, इसको हम रोक देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगली वीडियो के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम बेसिक कैलकुलेटर किस तरह बना सकते हैं इन विजी स्टूडियो प्रोग्रामिंग 2010 में।
अब जिस भी बना ले होता है एक सेम ही है, लेकिन 2017 जो है वो मैं आपको कहता हूँ कि वो ठीक है बहुत। तो थैंक्स फॉर माय वीडियो, खुदा हाफिज़।